टेक न्यूज में आप लोग का स्वागत है। और फाइनली दोस्तों, आज Realme ने इंडिया में अपने Realme X और साथ में Realme 3i को भी जो वो लॉन्च कर दिया है, और Realme 3i की अनबॉक्सिंग आज आपको मैं जल्दी दे दूंगा। लेकिन Realme X की बात करते दोस्तों, तो आपको दो ही वेरिएंट्स के अंदर मिलते हैं इंडिया के अंदर। मैं स्पेशल एडिशन को छोड़ के बात कर रहा हूं। जो बेस वेरिएंट है वो 4GB रैम 128GB से स्टार्ट होता है, और एक 8GB रैम 128GB वाला भी आपको मिलता है। लेकिन यहां पर कोई भी 64GB वाला आपको वेरिएंट नहीं मिलता है। प्राइस की बात करें तो मैं लॉन्च से पहले वीडियो बना रहा हूं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के अंदर अपडेट कर दूंगा। अब देखते हैं कि Realme यहां पर इसकी क्या प्राइस रखता है। वैसे मेरे पास यहां पर आप देखेंगे दो कलर्स आए हुए हैं, आपको दो ही कलर्स में मिलेगा स्पेशल एडिशन छोड़ के। एक आपको पोलर व्हाइट है और दूसरा आप देखेंगे स्पेस ब्लू। तो यही दो कलर में आपको मिलेगा। वैसे पोलर व्हाइट बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ये वीडियो आप देखते रहे दोस्तों, मैं आप लोग को इस वीडियो में Realme X की सारी जानकारी यहां पर दे देता हूं। तो यहां पर दोस्तों बॉक्स देखेंगे आपको कुछ इस तरह का मिलता है। सामने देखेंगे Realme X लिखा है, नीचे लिखा है पॉपअप जनरेशन फोन, आपको सामने इस तरह के डिजाइन के साथ में दिख रहा है। और पीछे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फटाफट से हम बॉक्स को ओपन करते हैं। और दोस्तों इसको ओपन करते हैं, उससे पहले मैं आप लोग उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस दे देता हूं। आपको यहां पर इसमें जो 6.53 इंच की एक फुल व्यू डिस्प्ले मिलती है, ये एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। फुल HD प्लस का आपको रेजोल्यूशन मिलता है, और साथ में दोस्तों आपको 91.2% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी जो वो देखने को मिलता है। आप जो डिस्प्ले की क्वालिटी है दोस्तों, इस प्राइस के हिसाब से वो बहुत ही इंप्रेसिव है। जो व्यूइंग एंगल से जो पिक्चर और वीडियो की जो क्वालिटी मिलती है, वो आपको बहुत ही कमाल की देखने को मिलती है। उसके अलावा यहां पर आप लोगों को Qualcomm Snapdragon 710 वाला जो वो प्रोसेसर मिल रहा है, जी हाँ, आपको 730 नहीं मिल रहा है। प्रोसेसर वही सेम है जो Realme X के चाइनीज वेरिएंट में था, यहां पर भी उन्होंने आपको Snapdragon 710 वाला प्रोसेसर दिया है। और ये जो प्रोसेसर है दोस्तों, ये तो अच्छा ही है, हमें पता है इसमें आप गेम्स खेल सकते हैं पबजी HD में, और दूसरे भी हाई ग्राफिक्स गेम्स आप यहां पर इसमें खेल सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं कैमरे की बात करता हूं, तो आप लोगों को 48+5MP का डुअल रियर फेसिंग कैमरा मिलता है। जो प्राइमरी कैमरा है उसमें सोनी IMX586 वाला आपको सेंसर मिल रहा है। F1.7 का अपर्चर है, आप 4K वीडियो भी शूट कर सकते हैं, और स्लो मोशन भी आपको यहां पर देखने को मिलता है। 16MP की आपको सेल्फी मिलती है, लेकिन यहां पर आप लोगों को सोनी IMX471 वाला सेंसर मिल रहा है। ये वही सेम सेंसर जो आपको OnePlus 7 Pro में देखने को मिला था। F2.0 का अपर्चर है, पोर्ट्रेट ब्यूटी आपको सब कुछ मिलता है, लेकिन यहां पर दोस्तों आपको एक पॉपअप सेल्फी इस फोन में देखने को मिलती है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, और इसकी जो लाइफ है वो कुछ 2,00,000 से भी ज्यादा है, और ये बहुत ही फास्ट है, बहुत ही फास्ट ये बाहर आता है और उतना ही फास्ट ये अंदर भी चला जाता है। उसके अलावा अगर मैं बैटरी की बात करता हूं, तो आपको 3765mAh की बैटरी मिलती है, और साथ में बॉक्स में आपको 20W का VOOC वर्जन 3 वाला जो फास्ट चार्जर भी प्रोवाइड किया गया है। मतलब इससे आप 30 मिनट के अंदर ऑलमोस्ट 55% अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं। ये वैसे काफी अच्छी चीज है। तो ये दोस्तों कुछ इसकी कंप्लीट स्पेक्स, फटाफट से हम बॉक्स को ओपन करते हैं। तो यहां दोस्तों हमने बॉक्स को ओपन किया है। सबसे पहले आप देखेंगे आपको एक बहुत ही कमाल का ये क्या लगा हुआ है, इसके ऊपर प्लास्टिक लगा दिया है, क्या बात है। तो यहां पर आपको एक बहुत ही कमाल का बैक केस मिल रहा है, थोड़ा सा हार्ड है, और उसके अलावा आपको कुछ यूजर मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन मिल रही है, सिम इजेक्टर पिन मिल रही है। और उसके बाद आते हैं हमारे फोन की तरफ, जो आप देखेंगे आपको कुछ इस तरीके का मिल रहा है, जो प्लास्टिक वगैरह सब लगी हुई है। इसको हम यहां से निकाल देते हैं, और ये देखेंगे ये है पोलर व्हाइट, जो बहुत ही कमाल का लग रहा है। ये एक्चुअली में बहुत ही प्रीमियम लग रहा है दोस्तों, कुछ इस तरीके का आपको मिलता है। आप देखेंगे अगर मैं इसको लेफ्ट और राइट टिल्ट करता हूं, तो हल्का सा आपको एस शेप जो इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है, जो काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन यहां पर दोस्तों ये एक पॉलीकार्बोनेट बैक है, जी हां, ये ग्लास बैक नहीं है, लेकिन आपको एकदम फील ग्लास जैसा ही होता है, क्योंकि उन्होंने फिनिशिंग कुछ इस तरीके की दी है। तो ये कुछ इस तरीके आपको डिजाइन मिलते हैं। जो व्हाइट वाला है दोस्तों, वो बहुत ही प्रीमियम लगता है। ये देखेंगे ये ब्लू कलर है, जिसका मैंने ऑलरेडी चाइना में अनबॉक्सिंग किया था, लेकिन ब्लू और व्हाइट आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। मैं तो आपसे यही रिकमेंड करूंगा, अगर आप परचेस करेंगे तो व्हाइट वाला करना, ये बहुत ही प्रीमियम लगता है। उसके अलावा आप देखेंगे, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, आपको एक फास्ट चार्जर मिलता है VOOC वर्जन 3 वाला 20W का, कुछ इस तरीके का है। और थैंकफुली दोस्तों आपको यहां पर टाइप सी केबल्स मिल रहे हैं, क्योंकि आपको इसमें टाइप सी पोर्ट मिल रहा है। अच्छी बात, ये पहला Realme का फोन है जिसमें आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है। तो चलो एक चीज आपको यहां पर काफी अच्छी मिल रही है। तो ये दोस्तों इसके कुछ बॉक्स कंटेंट, फटाफट से आते हमारे फोन की तरफ। यहां पर दोस्तों आते हमारे फोन की तरफ और इसको बूट करते हैं। उससे पहले मैं आपको इसका एक फिजिकल ओवरव्यू दे देता हूं। नीचे की तरफ देखेंगे आपको टाइप सी पोर्ट दिख रहा है, आपको माइक होल 3.5mm जैक और आपको स्पीकर आउटपुट मिल रहा है। लेफ्ट के अंदर आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन की मिल रही है। राइट साइड में आपको पावर बटन मिल रहा है, लेकिन यहां पर उन्होंने हल्का सा येलो आपको फिनिशिंग के साथ में दिया है। ऊपर देखेंगे आपको सिम ट्रे मिलता है, लेकिन यहां पर दोस्तों आपको कोई भी माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट नहीं मिल रहा है। जी, आपको सिर्फ दो सिम कार्ड लगाने का मौका मिलता है। रीजन ये भी है दोस्तों कि आपको कोई 64GB वाला वेरिएंट नहीं मिलता है, आपको बेस ही 128GB वाला मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको माइक्रो एसडी कार्ड की जरूरत पड़ेगी। ऊपर की तरफ आप देखेंगे आपको सेकेंडरी माइक होल और आपको पॉपअप कैमरा जो दिखाई दे रहा है। यहां पर दोस्तों हमने फोन को बूट कर दिया, आप देखेंगे कुछ इस तरह का है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, डिस्प्ले बहुत इंप्रेसिव है, आपको 91.2% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। तो ये चीज मुझे वैसे इसकी काफी बढ़िया लगी है। उसके अलावा अगर मैं सेटिंग्स में जाता हूं, एंड्रॉइड वर्जन की बात करें, तो आपको एंड्रॉइड 9 पर आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। कलर OS 6 पर चल रहा है, और हमने तो कलर OS 6 के बारे में बहुत बातें कर ली, तो आपको काफी सारी चीजें मिल जाती है कस्टमाइज करने के लिए, आप कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, तो आपको मैं टेस्ट करके बता देता हूं। मैंने यहां पर सेट किया था, आप देखेंगे मैं टच करता हूं और ओपन हो जाता है। फिर से एक बार दिखाता हूं, ये देखेंगे
टच किया और ओपन हो गया। फिर से एक बार और दिखा देता हूँ, फिंगरप्रिंट स्कैनर अंडर डिस्प्ले बहुत ही फास्ट, आप देखेंगे टच करते ही ओपन हो जाता है। फेस अनलॉक भी बता देता हूँ, पॉपअप कैमरे के जरिए मिलता है। आप देखेंगे स्लाइड अप करता हूँ, ये आया बाहर और मेरे फोन को अनलॉक कर दिया। फिर से एक बार दिखाता हूँ, स्लाइड अप किया, देखा और फोन को अनलॉक हो जाए, तो ये दोनों चीजें आपको इसमें वैसे काफी बढ़िया मिलती है। उसके अलावा दोस्तों मैं अगर कुछ और एडिशनल फीचर्स की बात करूं तो आपको यहाँ पर इसमें वाइड वन L3 मिलता है, वाइड वन L1 अभी नहीं दिया है, और मुझे लगता है कि अगर Realme 3 Pro में आपको दिया गया है तो शायद इसमें भी आपको फ्यूचर में मिल जाएगा। कैमरा टू API की बात करें तो जी हाँ, आपको यहाँ पर गूगल कैमरा वगैरह का सपोर्ट मिल जाएगा जो यहाँ पर कंपेटेबल है। उसके अलावा अगर मैं स्टोरेज स्पीड की बात करता हूँ तो आपको यहाँ पर UFS 2.1 के स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब आपका जो ऐप ओपन क्लोज है, ये सारे जो डेटा ट्रांसफर है, इसकी जो स्पीड होगी वो बहुत ही फास्ट होगी। और फाइनली अगर मैं सार वैल्यू की बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं आपको हेड के लिए 1.197 मिलता है, थोड़ा सा ज्यादा है, और बॉडी के लिए आपको 0.829 मिलता है। हालांकि 1.6 वॉट्स पर किलोग्राम के नीचे तो कुछ इस तरीके का आपको मिल जाता है। फाइनली दोस्तों हम बात करते हैं इसके कैमरे की, जो आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। इंटरफेस देखेंगे वही सेम टिपिकल कलर ओएस 6 जैसा आपको मिलता है, लेकिन इसमें आपको नाइटस्केप, क्रोमा बूस्ट, स्लोमो, एक्सपोर्ट मोड, ये वो सब कुछ आपको मिल जाता है, तो आप अच्छे तरीके से इसका फायदा उठा सकते हैं। और स्क्रीन पर दोस्तों मैं आपको कुछ इसके सैंपल्स दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। एक्चुअली में दोस्तों इसका जो रियर कैमरा वो बहुत ही बढ़िया है, 48 मेगापिक्सल वाला, आपको ऑब्वियसली सोनी वाला सेंसर मिल रहा है, तो आपको यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप दिन के अंदर पिक्चर्स लो, पोर्ट्रेट शॉट्स लो या नाइट में लो, सब कुछ आपको यहां पर वैसे काफी बढ़िया देखने को मिलता है। मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा इसके कैमरे पर और बहुत सारे कंपैरिजन भी करेंगे, तो आप जरूर इसके लिए स्टे ट्यून करना। सेल्फी की बात करें दोस्तों तो आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है, IMX471 वाला सेंसर है, तो यहां पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बहुत ही अच्छी शार्प पिक्चर यहां पर देखने को मिल रही है। और जो इसका एज डिटेक्शन है इसमें वैसे आपको काफी ठीक मिल रहा है, जो कुछ इस तरीके की आपको यहां पर सेल्फी दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल दोस्तों यहां पर ये Realme X जो आपको कुछ इस तरीके का मिलता है, सब कुछ आपको इस फोन में वैसे काफी बढ़िया मिलता है। बस जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 710 है, 730 नहीं है, मैं जानता हूं बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन प्राइस Realme ने कहा था वो बहुत एग्रेसिव रखेगा, तो देखते हैं दोस्तों कि ये क्या प्राइस रखता है, वो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट के अंदर ही अपडेट कर दूंगा। वैसे आपका क्या ख्याल है इस फोन के बारे में, आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताना, मैं बहुत सारे वीडियोस इस पे बनाऊंगा, बहुत कंपैरिजंस करेंगे, तो उसके लिए आप जरूर से स्टे ट्यून करना। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों तो लाइक करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।